मनासा जनपद पंचायत के अंतर्गत गांव मोखमपुरा में अभी गांव के लोगों के द्वारा मुख्य मार्ग पर चपलाना रोड पर ट्रैक्टर ट्राली खड़े करके गांव को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसमें ग्राम पंचायत का भी काफ़ी सहयोग रहा है। उक्त जानकारी देते हुए लारा राम कुशवाहा सचिव ग्राम पंचायत मोखमपुरा के द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे गांव में भी कोई भी अनजान आदमी ना घुस पाए उसी को देखते हुए ग्रामजनों ने लॉकडाउन करने का फैसला भी लिया गया है। ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है और जो बाहर से आने वाले लोगों को पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है उक्त जानकारी पवन कुशवाहा के द्वारा दी गई है। इसका यह उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो बाहरी व्यक्ति जो आते हैं उनको रोकने के लिए जो हमारे देश में भी कोरोना महामारी जो फैल रही है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है लॉकडाउन का जी इनका पूरी तरह से पालन हो इसी उद्देश्य को बरकरार रखते हुए हमारे गांव में आज पूरी तरह से गांव मोखमपुरा से गांव चपलाने जाने का जो मेन रास्ता है और पूरी तरह से आज लॉकडाउन किया गया है और बाहरी व्यक्ति को हमने पूरी तरह से रोका है। इसमें हमारे सहयोगी प्रस्तुतन समिति के सदस्य ग्राम रक्षा समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण हमारे सरपंच साहब सभी ने सहयोग किया और पूरी तरह से आज ग्राम पंचायत पूरा लॉकडाउन बेशक रुकेगी। इसमें मतलब प्रधानमंत्री की जो अवहेलना है इसमें गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया। मैं कमल कुशवाहा ग्राम सुरक्षा समिति का संयोजक जी इससे मतलब बाहरी लोगों को आने में कुछ तकलीफ तो होगी मतलब नहीं आ सकते हैं वो कि मतलब गांव लॉकडाउन है जी इसीलिए को नहीं आ सकते हैं वो मतलब शासन के आदेश अनुसार जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश रहेगा जी और जब तक हमारे सीएम साहब का आदेश रहेगा तब तक लॉकडाउन का पालन करवाएंगे हम गांव में और लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो बाहर न निकलें तो मास्क पहने और अपने घर पे हाथ धोएं बार बार। तो जब तक शासन का आदेश अनुसार गांव में भी अब लॉकडाउन का पालन किया जाएगा जी ठीक। नीमच जिले के मनासा तहसील से बद्रीलाल गुज्जर की रिपोर्ट।